अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। दिव्यांग बालक बालिकाओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। परभणी जिले के जिला परिषद समाज कल्याण विभाग और रेणुका शिक्षण प्रसारक मंडल के सहयोग से आकड़ी कुंभकर्ण स्थित कैलाशवासी रामराव कानेकर निवासी मुखबधिर और अस्थिभंग विद्यालय यहाँ पर विकलांग लड़के और लड़कियों के लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दौड़, व्हील चेयर बैठना, गोला फेंक, लंबी कुदी, बास्केटबॉल आदि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजित की गई थी। वहीं शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जिला परिषद के CEO विनय मुन ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर उप जिला अधिकारी संतोषी देवकुड़े, जिला सर्जन डॉक्टर नागेश लखमावार, समाज कल्याण अधिकारी गीता गुट्टे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप घोंशीकर, इनके अलावा रेणुका शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कानेकर, डॉक्टर मनीषा कानेकर, शाखा के PM लांडे ये थे। तो इस समय प्रशिक्षक के तौर पर डॉक्टर संध्या मानवतकर, डॉक्टर स्नेहल शेटवार इनकी प्रमुख उपस्थिति रही। तो के सत्र में खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता गुट्टे इन्होंने किया। मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर राज्य शासन ने जारी किए हुए मसूदे में सगे संबंधी इस व्याख्या को लेकर कानून में बदलाव किया जाए और विधि मंडल में विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, इस मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने शुरू किए हुए अनशन को लेकर उसी के तहत उस अनशन को समर्थन दर्शाते हुए परभणी जिले में तारीख 14 फरवरी 2024 बुधवार के रोज सकल मराठा समाज की ओर से परभणी बंद की आवाज उठाई गई है। मराठा समुदाय को OBC वर्ग से आरक्षण मिले इसके लिए मनोज चरांगे पाटिल ने विरोध प्रदर्शन किया। करोड़ों मराठा भाई आंदोलन के लिए मुंबई की ओर चल पड़े। आंदोलनकारी मुंबई के सीमा तक पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों से सरकार ने उनके मांगे पूरी करने की बात कही और मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस मसौदे को रशीद सोरिया की परिभाषा के साथ कानून में बदलने की मांग अंतरवली सराटी सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का मराठा समाज को दिया गया वादा पूरा करने की मांग को लेकर राज्य विधि मंडल का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, इस मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। उनकी भूख हड़ताल के समर्थन में पूरे मराठा समुदाय की ओर से बुधवार 14 फरवरी के रोज परभणी जिला बंद का आह्वान किया गया है। मनोज जरांगे पाटिल इनके आंदोलन को परभणी जिले से समय समय पर समर्थन दिया गया है। सकल मराठा समाज की ओर से पुकारे गए इस बंद को व्यापारी अपनी प्रतिष्ठाने दुकानें बंद रखे इसके लिए ऐसे मांग का निवेदन व्यापारी महासंघ के सचिन अम्बिलवादे इन्हें सकल मराठा समाज की ओर से दिया गया। इसके तहत परभणी के शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, कच्ची मार्केट, उसी तरह से ग्रैंड कॉर्नर, आरा टावर, नारायण चाल, बसमत रोड, जिंतूर रोड, विसावा फाटा, अन्य जगहों के पूरी तरीके से दुकानें बंद दिखाई दी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी जिले में सभी धर्म के नागरिक एक दूसरे के त्यौहार उत्साह के साथ और शांतता के साथ माहौल में मनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स को लेकर इस उर्स में कुछ दिनों से अनुचित प्रकार हो रहे हैं, जिससे यहाँ का युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में गलत आक्षेपार्थ संदेश प्रसारित कर रहा है, जिससे वातावरण का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। इसे देखते हुए ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि सभी समाज के नागरिक अपने अपने समाज के युवा वर्ग के सोशल मीडिया पर कर रहे हैं गलत आक्षेपार्थ संदेश को प्रसारित ना करें, इस बारे में समझा कर बताए, ऐसी सूचना जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने दी। जिला कलेक्टर ऑफिस के हॉल में हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के लेकर शांतता समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये बोल रहे थे। इस समय सांसद संजय उर्फ बंटू जाधव, सांसद श्रीमती फौजिया खान, SP रविंद्र सिंह परदेसी, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काले, निवासी उप जिला अधिकारी अनुराधा ढालकरी के साथ सभी समाज के सभी प्रतिष्ठित नागरिक इस समय मौजूद थे। इस समय यहाँ पर आए हुए शांतता समिति के बैठक में उन पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 22 तारीख को जो दिन गया वो सबसे ज्यादा जो है सेंसिटिव दिन था, पूरे देश के लिए, शहर के लिए। उसमें मुसलमानों ने
कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, कोई ऐसे हालात पेश नहीं आए। लोगों ने जो है सब चीजें जो है शांति के साथ और उस अमन के साथ जो है मनाई गई और लोगों ने मनाया। हमने कभी भी ऐसे कभी धार्मिक मामलों में हमने कभी भी बहसियत मुसलमान, अब वो जो शर पसंद है उसको कई लोग जानते हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे वो जो है हिंदू समाज में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये महाराजा ने ग्रुप बनून जे मारत आहे सर, तर ते कुठे ना कुठे थांबलं पाहिजे, कारण की परभणी शहरामध्ये जे समाज मिळून मिसळून राहतो आजपर्यंत सर, आम्ही 1990 पासून आजपर्यंत कधीच ऐकलेलं नाही की तर जातीवाद झाला कुठं भांडण झालं म्हणून। आणि मी आपल्याला अशी विनंती करतो सर की उरसामध्ये जे काही प्रकार घडतो तिथे जबाबदार कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आणि कोणी गुत्तेदार नसतात। मला पोलीस प्रशासनाला ही विनंती करायची आहे की त्यांनी जिथे ग्रुप बसलेला असतंय सर, तर त्यांनी आपण जर त्यांना जाऊन सांगितलं दोघा तिघाला की सर इथं अशा ना अशी घटना घडत आहे, तर ते काय म्हणतात सर माहिती का, जा चौकीला जाऊन सांगा। हे बरोबर नाही सर, कारण की दोन चार गरीब लोकांना मारलं, एक मुलगा शिकत होता त्याला गार्डनमध्ये नारे लावून म्हणून मारलं सर, आणि ते चिकू विकत होता ते व्यापारी काळी कमांना त्याला त्याचा असं गाळा पार्टी करून टाकलं सर, हे बिलकुल चुकीचं आहे। आणि जे कोणी दोन्ही समाजामध्ये असतो कोणत्या समाजामध्ये असतो सर, जे कोणी त्याच्यामध्ये दोषी आरोपी असतात मुस्लिम असून किंवा कोणी इतर जातीचे असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, कारण की कसं आहे माहिती का सर, आज हे लहान मुलं आहे यांचा रुझान जे असायला पाहिजे ते शिक्षणाकडं असायला पाहिजे। जर हे जातीवाद मध्ये गुंतून जातात तर सर हे परभणीच्या लोकांसाठी आणि या राज्याच्या आणि या देशासाठी भी काय बरोबर नाही। जिसमें से दो इंसिडेंट पुलिस के ग्राउंड के अंदर हुए, बाकी सात इंसिडेंट ग्राउंड के बाहर हुए, चार इंसिडेंट में FIR हुई दोनों तरफ से, तो बाकी जो इंसिडेंट हो रहे सर झगड़ा हो रहा मार रहे लोगों को काउंसिलिंग कर रहे, और जो बच्चे हैं 17 से 18 साल के हैं उनका फ्यूचर देखते हुए दोनों तरफ के लोग आके बैठ के कंप्रोमाइज करा के बच्चों को निकाल रहे। और कल रात का पुलिस के अंदर का इंसिडेंट है जो मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग में, एक महिला को सर पूरी फैमिली थी, वो लड़की पूरे अपने माँ बाप के साथ जा रही, लड़की को पीछे से बैट जो टच होते तो लकड़ी से उसको कंडी में बैट टच करके उसका बाप मुझे फोन पर बोल रहा कि मेरे बेटी के साथ ये चीज़ें हो रही। और सर आज जो पुरुष को लेकर जो कंडीशन है शहर के अंदर, पुलिस फरिश्ते नहीं है कि कहीं भी जाके पुलिस अपना काम करेगी कौन क्या कर रहा है। आज सिंसियर टू माहौल है सर, अगर से किसी की जान चली जाती ये मामले के अंदर लेके, कल यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम एक दूसरे को मुंह मुंह दिखाने के लायक नहीं, पुलिस क्या करेगी सर, कहाँ तक जाएंगी वो चार पाँच बजे तक पुलिस काम कर रही है इसके अंदर। और जो इंसिडेंट हो रहे बाहर भी हो रहे, कल आसिफ कॉलोनी के अंदर हुआ, सुबह 5 बजे वो लोग आए उनसे बातचीत हुई समझा बुझा के उन लोगों को बिठा दी, एक फ्लो आ रहा मार रहा चले जा रहा, दोनों तरफ से ये सारी चीजें हो रही। और सर इसके अंदर जान जाने का खतरा है, आप ये सारी चीजों को नजर रखते हुए आगे का ध्यान दीजिए और हालत सेंसिटिव होते जा रहे दिन के लिए। ह्या उरसामध्ये वाद होण्याला कारणीभूत ह्या उरसातले ठेकेदार आहेत, माजुराचा एक ग्रुप आणि त्या फारुख बाबाचा एक ग्रुप समोर काम होते, त्या किसको बुरा लगता है लगता मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये माहौल गए साथ से खराब होने में ये दो लोग जिम्मेदार है, ये आपस में बिगड़ गया। अभी तक मिली जुली थी, जब से इनमें बेगना हो गया तब से उरस में ये माहौल खराब होने का आप देख रहे हैं सर। इसको क्या लगता है मुझे लग रहा नहीं, मैं जो आपकी कहते बयान कर रहा हूँ पिट्टू भाई आपको भी पता है लेकिन आप बोल नहीं सकते। उर्मी कमी होता आता वाढवायचं काय, कारण कारण ह्यांनी 25 रुपये धोक्याला बाजार दिला तर आम्हाला 20 रुपये द्यावं लागेल, ह्याचे पैसे वसूल कसे करायचे, त्याच्यामुळे ह्याला वाढवून दिलेला वेळ आहे। उरसाचा टाइम 8 दिवसाचा होता, 15 दिवसाचा नव्हता उरसाचा टाइम। अरे किसी की भी माँ बहन हो, मेरी हो आपकी हो, उसका लिहाज करना हमारे सबके फर्ज है, लेकिन हम ये सब भूल गए। और मुझे लगता है कि हिंदू लड़की के साथ हुआ या मुसलमान लोगों के साथ हुआ, किसी के साथ जो लड़की के साथ होता ये बहुत शर्मनाक बात है, उससे इसकी हम निंदा जितनी करें उतनी कम है।
ये मर्दों वाली बात नहीं हुई। और मैंने ऐसा भी मेरे मैं दिल्ली में था, हम मैडम हम साथ में थे, हम दफ्तरी सूरत में आए, ऐसा भी कुछ या हमको मालूम मिले, हमको थोड़ी बहुत ही राजनीति से कुछ लोगों ने उसको अलग इशू बनाने की भी कोशिश करी। मैंने ये भी सुना किसी एक बच्चे के गले में रुमाल डाल दिए, उसको दिल्ली में बिठाए, जय श्री राम बोल, फिर उसको उठा के मारने लगा है। ये जो हो रहा है, जो कुछ लोगों ने अभी कहा कि भाई 2024 का ये कुछ माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही है, हो सकती, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम देखते हैं आज 30-40 साल से मैं परवरी देख रहा हूँ, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विरोध में है। थोड़ी बहुत जंग हो जाती, कभी कभी थोड़ी गलत फहमी में कुछ हो जाता तो वहाँ के वहाँ बात सिमट जाती, लेकिन ये पहली बार उरस में इतने 8 दिन से घुमस रहा है, ये मैं पहली बार देखा, अनुभव ऐसा कभी होता नहीं। दूसरी सन्माननीय खासदार बल्लूजी जाधव साहब, जिल्ह्याचे नवीनच रुजू झालेले पोलीस अधीक्षक रवींद्र सिंह परदेशी साहेब, आडीसी अस्मित काळे साहेब, त्याचबरोबर आडीसी घालकरी मॅडम, सर्व प्रभारी पोलीस निरीक्षक डीवायएसपी, सर्व समाजाचे प्रतिनिधी आणि मित्र, आपल्याला माहिती आहे 117 वर्ष आपल्या उत्सवाचं आहे। मी इथे जॉईन झाल्यावर उत्सवाची माहिती घेते, सर्व समाजाचे लोक अतिशय चांगल्या पद्धतीने मिळून जुळून हा उत्सव साजरा करतात, ह्या इथल्या परवडीचा इतिहास आहे याची मी माहिती घेतली आहे। जसं यापूर्वीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, 99.99% लोकांना इथं शांतता राहावी, याचे मोहणे वाद होणे, महिलांची छेड होणे, चोरी होणे आपल्या सर्वांना वाटतं, याच्यात काय दुमत नाही। फक्त जी तरुण मंडळी आहे त्यांना आपापल्या समाजातल्या लोकांनी कंट्रोल करणं ही मला वाटतं मुख्य काळाची गरज आहे। आणि याचा बंदोबस्त काय आहे, आम्ही स्वतः रस्त्यावरती देखील मी होतो, मी जसं आलो तसं आम्ही रस्त्यावरती आहोत, आम्ही मी फूड सोल्जर आहे, मी बसणाऱ्यातलं नाही, मलाच आमची लोक येऊ नका, कारण एस पी मी यांना प्रत्येक ठिकाणी हा गोष्ट नसते, योग्य नसते, परंतु मला ते रावलं की तुम्ही कसे काम करतात, मोठी डस्ट, सगळ्यांना मी मास्क घालायला लावले, सगळ्या आमच्या महिला भगिनी देखील आमच्या होमगार्डच्या बसल्या, त्याने म्हटलं तुम्ही एवढी डस्ट हे कराल तर तुम्हालाही आजारी पडतात, तुम्हाला अजून काम करायचं आहे, हे मी सगळ्यांना बोललो, जाऊन बोललो, तर आमचा बंदोबस्त सगळीकडे आहे। आणि काही सूचना आलेल्या होत्या की या आम्हाला अधिकार नाही आहेत, तर त्याने परत आज आमच्या लोकांना ब्रीफिंग घेऊन आम्ही सांगतो की तुम्हाला कुठली घटना जर कोणी सांगत असेल तर ती चौकीला रिपोर्ट करा, दॅट विल रिपोर्ट, ती होणार नाही, फक्त आपण वेळेत बंद करू, कारण आम्ही कालही आपल्याला करायला लावलं केलं, आणि कारण जेव्हा कुठली घटना आपल्याला टाळायची असते, कारण आपला या पुरेसा पिरियड झाला आहे, आणि आपले मुशायरा वगैरे आपले जे काही महत्वाचे कार्यक्रम सगळे झालेले आहेत, अतिशय चांगल्या पद्धतीने झालेले, त्यांना आपण कुठेच हे केलं नाही, आता सगळं राहिला कमर्शियल, त्याच्यामुळे आम्हाला वेळेत बंद करायला आपलं सहकार्य लागेल, आणि त्या ठिकाणी इतर जेव्हा काही नसतं तेव्हा आपण कोणीच काही बोलत नाही, आम्ही बोलत नाही, त्याच्यात आमची म्हणजे जे पहिल्याचे तुम्ही म्हटलात तर ते पहिल्याचे डोळे दाखल सुप्रीम कोर्टाच्या पुढे कोणी नसतं, चाललंय चांगलं चाललंय, पण तो नाहीये तिथं, कारण आम्हाला आमच्या वेळेचे पालन करावं लागतं, तर ते आपण करूयात, आणि आमचं पूर्ण सुरक्षा त्या ठिकाणी आहे आणि राहणार, आणि सर्वांवर नजर आहे, कृपया कोणी कठोर कारवाईला आमंत्रण देऊ नये हे सगळ्यांना आपण सांगावं, आपण सगळे प्रभावशाली आहात म्हणून मी आपल्याला बोलतोय, आपण आपला प्रभाव आपले सगळे जे तरुण आहेत जे मुलं आहेत ते त्या मुलांना आपण सांगावं, आणि पोस्ट हा एखाद्या कुठल्या तरी एक म्हणजे तो अनियंत्रित बाब आहे, ती पोस्ट ती कुठून येते काय येते काय आली तोपर्यंत आपली ती डॅमेज करून गेलेली असते, माणसाला माणसं आपण बोलतोय सगळे, आपण या ठिकाणी कशासाठी बसू आहे, आपण एकमेकाला बोलतोय माणसाला माणूस, तर त्या ठिकाणी पोस्टवर भरोसा जास्त ठेवला जातो, कारण आपण त्याचे सगळे चाली झालो, आता मोबाईल आमच्याही जवळ असतो की आपण त्याच्यात बघतो अरे काय, आणि मुलांना अजून काहीच कळत नाही कोणालाही कुठलाही कोणाला, त्याच्यावरती विश्वास जास्त ठेवला जातो, तर सगळ्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी सगळ्यांना डिस्करेज करावं की पोस्ट कोणी टाकू नये, आणि पोस्ट टाकली त्याला थोडासा वेळ लागतो की कुठपर्यंत शोधायला मुळापर्यंत जायला, परंतु त्याला आम्ही शोधून काढणार आहोत, ज्या ज्या पोस्ट टाकल्या गेलेल्या आहेत त्याचा पूर्ण त्याचा तपास चालू आहे, अगदी फॉरवर्ड करणाराही तेवढाच त्याच्यात दोषी आहे, ती पोस्ट फॉरवर्ड करणाराही दोषी आहे, आणि
तो देखील त्या चेनमध्ये येईल आणि त्याच्यावर देखील कठोर कारवाई होईल असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि ज्यांनी कोणी गुन्हे केलेले आहेत त्यांच्यावरती ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहे, आमचं टीम त्याच्यावर काम करत आहे आणि त्यांना ताब्यातही घेतलं जात आहे. त्याच्यामुळे कृपा करून या गोष्टी टाळाव्यात. एवढं मला सांगायचं होतं, पोलीस प्रशासन आपल्या परभणीच्या ऐक्यासाठी बांधील आहे आणि कुठेही याला तडा जाणार नाही ही मला दाट खात्री आहे. खात्री आहे, कॉन्फिडंट आहे त्या बाबतीत. परंतु त्याच्या रक्षणासाठी आम्ही सक्षम आणि सदृढ आहोत. त्यासाठी आम्ही कुठलेही काही कुठलंही इनटॉलरन्स टॉलरन्स आम्ही करणार नाही. झिरो टॉलरन्स आमची पॉलिसी राहील. धन्यवाद. वर्ष आपण प्रॉफिटच घेतलेला आहे, त्यामुळे त्या विषयात आता बोलू नये. सन्मान्य खासदार साहेब इथे आले, सन्मान्य खासदार मॅडम इथे आले आहेत, जिल्हाधिकारी महोदय, एसपी सर, रजिस्ट्री सर, डीवायसपी सर, आमचे सगळे सर्व बंधू इथे आले. आणि परभणीमध्ये आपल्या भाईचारा पूर्वपासून चांगला आहे. एखादा विषय पुढे येतो पण त्या विषयाला समोर म्हणजे चांगल्या पद्धतीने आपण त्याला डील सुद्धा करत असतो. आता आमची सगळ्याला विनंती आहे की त्या पुण्यातील पोरांना ह्या पुण्यातील पोरीला किंवा ह्या पुण्यातील पोरांना त्या पुण्यातील पोरीला काहीतरी केलं, आम्ही त्याला न्याय देण्याच्या भूमिकेमध्ये आलो असं जमणार नाही. मी सांगून ठेवतो सगळ्यांना कडक, तुमच्या बाबतीमध्ये न्याय देण्यासाठी प्रशासन सक्षम आहे. तुमच्याकडे सगळ्यांकडे आमचे नंबर आहेत. मंदिरात ते तीनला फोन करायचा, आम्ही फोन नाही उचलला, ब्रेकला ती वर्षाकडे आमच्या कंप्लेंट करा. हे सगळ्यांना पब्लिकमध्ये जय सांगतोय. कुठला तरी एक मंच स्थापन करतो, कुठला तरी मी ग्रुप स्थापन करतो मॅडम, आणि मी जाऊन तिथला जर समजा न्याय देऊ आहोत असेल ते चुकीचं काम आहे. यामुळे प्रॉब्लेम होतील. युनिफॉर्म मधल्या पाच काठ्या साहेब सर करतात. दादा साहेब अनुभव आहे, फार ग्राउंड लेवलून ते आले आहेत. काठ्यांचा प्रसाद खाल्लेच माणसं मोठे नेते होतात हे सगळ्यांना माहित आहे. तो काही विषय नवीन नाही आहे. आणि खासदार साहेबांनी सगळ्या समोर सांगितलं, कुर्बान मध्ये उद्यापर्यंत डॉक्टरला जर अटक नाही झाली कधीपर्यंत उद्यापर्यंत तर तुमच्या सगळ्या कारवाई करतो म्हणे. आता ते बडे घेऊन जा म्हणे. त्यांना माहिती उद्यापर्यंत नाही जात नाही, टायमिंग असते. त्यामुळे तिथल्या ग्रुपला, रायगड पारोला एक ग्रुप आहे, अलीकडच्या पारोला एक ग्रुप आहे, नवीन पोर आहेत. आणि ह्या सगळ्या पोरांचं वय अल्पवयीन आहे, ते तरुण आहेत सर, हे नवतरुण आहेत, ते तरुण सुद्धा झालेले आहेत अजून. असे काही पोर आहेत, त्या प्रत्येक पोरला घरात जरी तरुण पोर असतील तर घरात जिम्मेदार माणसं सुद्धा आहेत. त्या जिम्मेदार माणसाला प्रत्येकाला माहिती आहे माझं पोट भाई जाऊन काय करते काय नाही. तुम्हाला सगळ्यांना माझी विनंती आहे, हे करायचं आहे. सगळ्यांना धन्यवाद, थँक्यू. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना वो डेंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. परभनी शहर में 14 से 18 से 20 साल के युवक एक जगह जमा होकर अन्य समाज के युवक को पीट रहे हैं. ऐसी घटनाएं दो परभनी शहर में हुई है, जिसमें परभनी शहर के राजगोपालचारी गार्डन में एक मुस्लिम युवक को दुभरी तरह से पीटते हुए किस तरह से माहौल ख़राब किया जाए इसको लेकर एक मामला हुआ है. तो बसमत रोड स्थित एक होटल के सामने एक जमघट ने आकर, गिरोह ने आकर युवक को मारपीट करते हुए उसका गाड़ा चीकू का पलटा दिया है. ऐसी दो घटनाएं हुई है. ये मामला 11 फरवरी के रोज शाम के दरमियान हुआ है. इस मामले में नवा मुंडा पुलिस थाने में अलग अलग दो अपराध की नोंद की गई है. इरफान पठान नाम के युवक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि 11 फरवरी के शाम करीब 7 बजे के दरमियान बसमत रोड स्थित राजगोपालचारी गार्डन में 8 से 9 युवकों ने एक समूह बनाकर वादी पक्ष को नस्लीय गालियां देते हुए
थप्पड़ मारकर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। मामले में दो संदिग्ध युवकों को उठाया गया है। ऐसी जानकारी पुलिस से प्राप्त होते हुए दूसरी घटना रविवार को ही हुई है, जिसमें बताया गया है कि वाकया शाम 7:30 बजे का है। बसमत रोड पर एक होटल के सामने सैयद मुदस्सिर नामक एक युवक अपने गाड़े पर चीकू बेच रहा था। उसे 8 से 10 लोग आकर युवकों ने आकर उसे गाली गलौज करते हुए उसके गाड़े को पलट कर दिया और पलटी जाने के कारण उसका बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उसके पास मौजूद मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। जाति सूचक गालियां देकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच PSI हांडे कर रहे हैं। दरमियान ये विवाद पैदा करने के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज इलेक्शन का माहौल नजदीक आ रहा है, उसी तरह से जातिवाद के माहौल को गर्म किया जा रहा है। लेकिन इसको रुकाना है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। इसके लिए जो गिरोह ऐसा घेर के मार रहा है, वो किसी समाज का भी हो, उनके ऊपर वचक देने के लिए जिस तरह से हमारे आए हुए LCB के नए PI इन्होंने जो बात बताई है शांतता कमेटी में कि जब तक जो दंडों का मार नहीं खाते हैं वो नेता नहीं बनते, इसलिए ऐसे लोग आगे बढ़कर शर पैदा कर रहे हैं, इन पर वचक रखना जरूरी है। ऐसी यहाँ से हम अपील करते हुए ये बात बताते हैं कि दोनों भी समाज के लोग यहाँ पर पहले से ही गंगा जमनी तहजीब से तरह रहते हैं, लेकिन कुछ समाज कंटक अपना माहौल बिगाड़ते हुए अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रुकाने के लिए, उनको लगाम देने के लिए, साथ ही साथ उन पर कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज करना जरूरी है। ऐसी जनता की तरफ से चर्चा का माहौल बना हुआ है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। महाराष्ट्र ST कामगार संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर समूचे राज्य में राष्ट्रीय परिवहन विभागीय कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। सेवानिवृत्त एवं भावी कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें, मेडिकल बिल पर खर्च करने की योजना के बजाय कैशलेस योजना शुरू करें, साल 2018 से महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान करें, अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2021 तक वार्षिक वेतन वृद्धि का बकाया भुगतान करें, अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2021 तक बकाया मकान किराया भत्ता का भुगतान करें, वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में अंतर को खत्म करने के लिए मूल वेतन में 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये ऐसी बढ़ोतरी की घोषणा की गई, RPA सुनिश्चित करने के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करें, कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन मिले, इस और अन्य मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई है। और महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन की ओर से विभागीय नियंत्रक राज्य परिवहन परभणी इन्हें निवेदन दिया गया है। निवेदन पर अध्यक्ष संदीप शिंदे, जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। ST कामगार संघटनेचं आजपासून ST कामगाराच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी महाराष्ट्रभर बेमुद्दत उपोषण सुरू झालेलं आहे व कामगाराचे प्रश्न जोपर्यंत प्रशासन मार्गी लावत नाही तोपर्यंत हे बेमुद्दत उपोषण चालूच राहणार आहे। सन 2016 पासून ते आजपर्यंत आमचे रखडलेले करार, त्यातल्या राहिलेल्या थकबाक्या, प्रशासनाला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून मागण्या करूनही प्रशासनाने ते आमचे पूर्ण केलेले नाहीत, आणि अनेक वेळा प्रशासनाला मागण्या करून आंदोलन करून सुद्धा आतापर्यंत दखल घेतली नाही, म्हणून आज आम्हाला रस्त्यावर उतरायची वेळ आलेली आहे। आम्ही सर्व ST कर्मचारी प्रशासन आणि शासनाला विनंती करतो की आमचे राहिलेले प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी काढून आम्हाला न्याय द्यावा, अन्यथा आम्हाला ना इलाजस्तव रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही। आज आम्ही
संविधानाच्या नियमाप्रमाणे एक रस्त्यावर बसून फक्त उपोषणच करत आहेत. जर आमचे प्रश्न मार्गी तुम्ही नाही लावले तर आम्हाला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही, याची दखल शासनाने घ्यावी आणि लवकरात लवकर आम्हाला न्याय द्यावा. हीच आमची महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या वतीनं महाराष्ट्रातून तुम्हाला हात जोडून आणि कळकळीची विनंती आहे. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.